चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चारों प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गांव के ग्रामीण दलमागज परियोजना से पलायन करके गांव में पहुंचे हाथियों के झुंड से परेशान रहते हैं। बता दें कि लगभग 5 वर्षों से ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र इस समस्या से जूझ रहा है। विभिन्न पंचायतों के लोग दहशत में जीने पर मजबूर हैं। शाम ढलते ही लोगों की जान जैसे हलक में अटक जाती है, क्योंकि शाम ढलते ही हाथियों का झुंड गांव में पहुंचकर उपद्रव मचाने लगता है, घरों को टारगेट करता है। कई बार दीवार तोड़कर भी हाथी घर में घुस जाते हैं, घरों में रखे अनाजों को अपना निवाला बनाते हैं और बचे कुछ अनाज को तहस नहस कर देते हैं। इसके साथ ही अगर कोई इंसान सामने आ जाए तो उसे भी घायल कर देते हैं। शाम ढलते ही गांव वालों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग इस डर में जीते हैं कि ना जाने कब आंगन में हाथी मौत बनकर खड़ा हो जाए। ऐसा है कि यहाँ तो हाथी रेगुलर विचरण करते रहता है और हाथी एक ऐसा जानवर जिसे कोई बांध कर नहीं रख सकता है, ठीक है ना। और वो प्रायः कभी सारंडा से कभी बंगाल से माइग्रेट होके आता है यहाँ। लोग उसको हम भगाए, तमाड़ तरफ गया, फिर 2 दिन बाद वहाँ से भगाया यहाँ आया। उसके लिए मेरे पास तो बंगाल का 2 टीम, यहाँ का एक गया महतो का टीम, रेगुलर यहाँ पे भी स्थानीय लोगों को भी इस तरह का ट्रेनिंग दे करके IQT बना करके टीम टाइप का किया जा रहा है। बस एक जगह से दूसरे जगह यही हो रहा है, परमानेंट हल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तरफ लाख प्रयास करने के बाद भी हाथी जाता नहीं है, और जाता भी है तो वहाँ 1 सेकंड भी नहीं रह पाता है। अब पता नहीं वहाँ क्या है नहीं है, क्या उसका हैबिटेट वहाँ पे है नहीं है, क्या परेशानी हाथी को है। हाँ, ग्रामीण का कहना मेरे हिसाब से निराधार है। हो सकता है 1-2 आवेदन जो आजकल में, चूंकि सरकारी प्रक्रिया में ही 1-2 महीना समय लग जाता है, CO साहब के ऑफिस, BDO साहब के ऑफिस, ग्राम प्रधान, हाँ, कागजी प्रक्रिया में, लेकिन मेरे स्तर पर 1 मिनट भी देरी नहीं होता है। और इधर ही 1-2 महीना का जो होगा किसी का तो होगा, नहीं तो किसी का कोई। आज कितने हाथी के झुंड है यहाँ पे? ऐसे लोग तो कहते हैं 22, लेकिन 21 हाथी का है जिसमें 2 बच्चा है, जिसी के चलते जा भी नहीं पा रहा है। तो सर ड्राइव टीम लग रहा है कि नहीं आपका? हाँ, तो रेगुलर लग रहा है, कंटिन्यू, एक दिन भी बीच नहीं है। ग्रामीण के क्या सहयोग मिल रहा है आपको? ग्रामीण का सहयोग तो क्या बोलिए, कहीं मिलता है, कोई कोई 2-4 आदमी देते हैं, बाकी नहीं है मानिए। हाँ, टीम को लोग मारते हैं, बंधक बनाते हैं, तरह तरह का परेशानी झेलना पड़ रहा है, क्या किया जाए। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं जहाँ तक हो सकता है। अभी सर, अभी तत्काल चारों तरफ से करके अगर दूसरे जगह ले जाता है, मान लिया सपोज डेट यहाँ पे है, अगर हाथी ना रह जाता है तो वहाँ के लोग बोलते हैं इधर मत लाइए, वहाँ के लोग मारपीट करते हैं, हाँ, फिर वापस हाथी आ जाता है। यही है, टीम आज भी लगेगा, 2 टीम यहाँ लगेगा, प्रयास करेगा यहाँ से नेत्र कहीं ले जाने का। उस टाइप की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो होना चाहिए, उनकी तरफ से गार्ड व्यवस्था होना चाहिए रास्ते में, कि आदमी को सूचना होना चाहिए कि फल्ला जगह हाथी है, आप लोग सावधानी से चले। लेकिन कुछ दिन से देख रहे हैं हमारे छात्र छात्राएं, आने जाने मजदूर राहगीरों को भी बहुत परेशानी होता है इस रास्ते में चलने के लिए, हम लोग को खुद को होता है। आप भी आ जाके देख लिए हैं हाथी कितना डिस्टेंस है, 500 मीटर दूर हाथी नहीं है। अभी डिपार्टमेंट का कहना है कि रात में टीम आएगा, रात को तो टीम गाँव का आदमी लोग सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी नहीं है उन लोगों को उस विषय पर। तो मेरा यही कहना है कि डिपार्टमेंट प्रकार झारखंड में तो उस प्रकार व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, इको सेंसिटिव जोन के नाम पर जो खर्चा आता है वो खर्चा आज तक हाथी तक नहीं पहुंच पाता है। अब मैं भी आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इको सेंसिटिव जोन की ओर से जो फंड दिया जाता है वो खर्चा आखिर कहाँ पे जाता है? अगर वो खर्चा सही सलामत हाथी के पास पहुंचता तो हाथी गांव घर। जो अभी जो धान एकड़ में जो दे रहा है वो मुआवजा बढ़ा के कम से कम 4,000 करना चाहिए पर एकड़। और अभी जो मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हाथी ने आदमी को मार देता, 4 लाख देता है, वो भी मुआवजा बढ़ाना चाहिए, कम से कम 10 लाख करना चाहिए। आज का डेट में 4 लाख में क्या होगा? कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक आदमी को मार दिया, उसका 4 को छोटा छोटा बच्चा है, उसको तत्काल 50,000 दिया, फिर बाद में बोला कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद 3.5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो आप ही लोग बताइए कि 4 लाख में उसका 4 बच्चा का भरण पोषण या लाइफ बनेगा? नहीं बनेगा। तो मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि उसका मुआवजा भी बढ़े, और जो फसल क्षति हो रहा है उस हिसाब से फसल का भी ये मुआवजा बढ़े। वहाँ तो मेन मैटर है आपका क्या बोलेंगे, इको सेंसिटिव जोन है, प्लस उसमें टूरिस्ट लोग आ जा रहा है, टूरिस्ट के नाम पे बड़े बड़े होटल बन रहा है,
रेस्टोरेंट बन रहा है, इको सेंसिटिव जोन के नाम पे जो हाथी के व्यवस्था आता है वो हाथी तक नहीं पहुंच रहा है। हाथी को दाना पानी खाना सही सलाम सही समय मिलेगा तब ना हाथी गांव घर खेत खलियान में नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंच पा रहा है, तभी हाथी गांव घर में आ रहा है। ये सारी सिस्टम फेल है, सारी सिस्टम फेल है, डिपार्टमेंट का सारी सिस्टम फेल है, तभी हाथी गाँव घर में घुस रहा है, खेत खलियान में आ जा रहा है, रास्ते में चलने के लिए हम लोग को परेशानी हो रहा है। 12 महीने यहाँ डेरा डाला हुआ है, 12 महीने डेरा डाला हुआ है, लगातार 3-4 साल से हम लोग परेशान है। अभी रेंजर साहब आए थे कि आप लोग गांव वाले सहयोग करिए, हाथी को भगाया जाएगा। गांव वाले तो हम लोग सहयोग करते ही है, लेकिन रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे आइएगा उस टाइम तो गाँव वाला लोग नहीं आएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमार महतो हो गया, मैं इस गाँव के निवासी हूँ, रसुनिया के। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल वन क्षेत्र के अधीन रसुनिया पंचायत क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है, जिससे जान माल की सुरक्षा को देखते हुए ग्रामीण और मुखिया पंचायत समिति प्रतिनिधि मंडल ने वन विभाग को चेतावनी दी है कि हाथियों के झुंड को भगाने के लिए एक योजना बनाई जाए और जल्द से जल्द हाथियों के झुंड को गाँव से भगाया जाए। यही हुआ है हम लोग का कि वन विभाग कुछ हाथ पैर छोड़ दिया है ग्रामीण के ऊपर, तो हम लोग बोल बात कर लिए कि आप विभाग आपका है तो सबसे पहले आपका क्या विचार है, आप अपना विचार रखिए, हम लोग आपके क्या टेक्निक से यहाँ से भगाइएगा वो आप जानिएगा, सारा चीज़ हम ही लोग के ऊपर छोड़ दिया रहा है। ये तो रेंजर साहब आए थे, रेंजर को बोले तो रेंजर बोले कि ठीक है, टीम दस्ता आया है, आज रात को हम लोग भगाने का कोशिश करेंगे। किंतु इस तरह का हम लोग कम से कम 4 साल से बात सुनते आ रहे हैं कि आज भगाएंगे कल भगाएंगे, करते करते आज 4 साल हो गए, तो मुआवजा नहीं के बराबर मिला। जैसे कोई भी किसान 1 बीघा में 10,000-15,000 खर्चा होता है तो वहाँ पे सरकार देती है 3,000-3,200 रुपया, तो जब किसान पूरा साल भर के लिए अनाज उगाता है तो उसको आज 10,000 लगाया है तो कम से कम 15,000 का उसको प्रॉफिट होना चाहिए इस आशा में करता है, किंतु यहाँ पे सरकार मतलब किसान का मूल भी चल जाता है और जो लाभ आता है वो लाभ भी निकल जाता है। कि हम लोग को मुआवजा बढ़ाया जाए और यहाँ पे मुआवजा से सबसे पहले तो हम लोग का यही कहना है कि विभाग दलमा वन क्षेत्र में शिफ्ट करे, हम लोग का बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस रूट से तो आप लोग भी देख रहे हैं आना जाना विद्यार्थी आना जाना कर रहे हैं, आपका कर्मिक डेली कर्मिक जो खटने खाने का मतलब मजदूरी वाला उन लोग भी आना जाना कर रहे हैं, किंतु पेट के चलते उन लोग को मजदूर को तो आना जाना करना ही पड़े। इस सप्ताह तो फिलहाल अभी नहीं, कुछ पिछले एक में यहाँ जान माल का क्षति हुआ है, मार डाला हाथी ने, हाथी ने मार डाला है। क्या नाम है आपका? मंगल माझी, रुसनिया पंचायत मुख्य। टेस्ट होगा, बच्चा भी है? हाँ बच्चा है, 4-5 को बच्चा है, और जब भगाने जाते हैं तो हाथी ने गुस्सा होकर हम ही लोगों को भगाते हैं, दौड़ा देते हैं। हाँ दौड़ा, हम लोग रोज रोज निकलते हैं रात को, तो 12 बजे तक हम लोग उन लोगों को भगाते हैं और जितना जंगल के पास जाते हैं तो वो लोग वहाँ से नहीं हटते हैं। अब एक चीज बताइए, अभी धान दे रहे, अब कटिंग भी, धान कटिंग भी हो गया है, उसको ले भी जा रहे हैं हाथी के डर से। हाँ। कितने फसल, क्या क्या फसल बर्बाद कर देते हैं ये ज़्यादा, ये जो हम लोग खेती का धान सब वही सब ज़्यादा कट दिया करते हैं। और घर पर? घर पर नहीं जाते, सुनी मार के घर में भी अटैक कर देते हैं। हाँ ऐसे सिंगल तो जो दौड़ा करते हैं अकेले, ये रोड में वो जाता है और कहीं का घर एक कालपुर से धतकड़ी में एक तो घर एक तो सुअर का, सुअर को भी मार दिया। हाँ मार दिया, तो सुअर नहीं मारा। अभी एक चीज बताइए कि लगातार हाथी से आतंक से आप लोग परेशान है, वन विभाग क्या कदम उठा रहे हैं? वो तो वन विभाग तो उधर भगाने के लिए उधर इधर उधर का ला रहे हैं और फिर इधर उधर से वो लोग भी भगा नहीं पाते हैं, भगा नहीं पाते हैं वो लोग भी भाग जाते हैं, और जो भगाने वाले आते हैं ना वो लोग भी भाग जाते हैं हाथी के जो आवाज़ सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दुलाल हेमरम। कहाँ से? हाथी नंदा से।